अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो म्यूट हूं, तो आवाज आ रही कहां से है? क्योंकि आवाज निकाल रही हूं मैं, एक्शन कर रही है ये। रीजन? क्योंकि हेलो सदा क्योंकि गाइस, इसका गला बैठा हुआ है, तो आज मैं इसकी जुबान बन रही हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैं नहीं बोल जुबान सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर थोड़ा ऑकवर्ड, भारी भारी सा अभी तो आवाज फिर आ भी रहा है। थोड़ा ठीक है। रात में तो सुबह आदमी तो ऐसा आवाज लगता है कन्नू की आवाज में आदमी बोल मजाक उड़ा रही है मेरा, और अब सडन मेरा तबीयत खराब हो गया, मतलब गला खराब हो गया। वैसे तबीयत तो भगवान के आशीर्वाद से ठीक है, गला थोड़ा खराब हो गया, तो गला वही तो अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, बट मुझे बोलने में बहुत दर्द हो रहा है, तो होम रेमेडीज करेंगे नहीं तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। खैर, आप सबको हम विश करना चाहते हैं हैप्पी तीज। कल संझारा था, कल हम लोग संझारा नहीं सेलिब्रेट किए क्योंकि इन लोगों का ऑफिस था, ऑफिस तो हम लोगों ने सोचा संझारा और तीज तीज के दिन सेलिब्रेट कर लेंगे। तो मैंने तो मेहंदी लगा ली है और हमने नेहा लगा मेहंदी रही लगा है। रही है, और आज हम लोग तीज के दिन क्या क्या करते हैं आप देखते जाइए। फिलहाल कोई कुछ भी प्लान नहीं है, तो जो जो चीज़ जैसे जैसे होते जाएगा आप भी इंजॉय करते जाए, हम भी इंजॉय करते जाएंगे। तो अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ मंदिर, शिव जी के मंदिर, फिर आने के बाद जो भी प्लान्स होता है आपके साथ भी शेयर करेंगे, नाश्ता भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं गर्मा गर्म चाय पीऊँगी क्योंकि वो थोड़ा सूदिंग हो जाता है, गर्म गर्म चीज़। अब गर्म पानी में कितना बार पियेंगे? ओ, आपने शायद सुना नहीं मम्मी ने क्या बोला। मम्मी ने बोला आज तो गर्मा गर्म समोसे खाएंगे। मैं वो कैसे कन्नू को नहीं खाऊंगी, मेरे खिलाएंगे को तो देखो गला में ये होके रखा है, किच किच हो रखा है। मम्मी बोल रहे कोई बात नहीं, गर्म पानी पीने। देखा सच्ची स्वीट नहीं मम्मा, नहीं मम्मा नहीं ऐसे हमको नहीं नहीं बोला खिलाएंगे। कि नहीं खाना, मम्मी बोले गर्म पानी पी ले। वैसे अभी तो ये भी आने वाला है ना, अभी तो और बहुत सारा सातुरी त्योहार तीज। आएगा, सातुरी तीज इज टू फार। अभी फिलहाल तो आएगा राखी आएगा, फिर सातुरी तीज आएगी, फिर जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, ऐसे बहुत सारे अभी तो ट्रेल लगे हुए हैं त्योहार के। तो जब जब मर्जी तब तब मेहंदी लगा दी। वैसे देखिए ना, हम लोग का एक पूरा महीना सावन का चला, मतलब सावन का हाँ चला गया, हमने तब मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब मैंने बोला बाकी का 15 दिन बाकी है भाई, हम तो मत मेहंदी तो कहे थो कि सावन लग गयो, एक बार बीच में मेहंदी लगा लो, दौड़ा दौड़ा हाथ है सोना कुन लगा, लगा लो मेहंदी। नहीं कुछ बोल नहीं लेकिन सकती ना मैं तो टाइम आसे जद ही लगा से हाँ। अरे सावन में जद में मन करत जद लगा लो, जद उतरी मेहंदी जद लगा लिया, जद उतरी मेहंदी जद लगा लिया। कोई जवाब बहन आपके क्या ही पास? कर सकते हैं मैम, सब टाइम लाल लाल हाथ ही सोना लगे, लाल इसलिए लाल तो हम हाथ। लाल लाल नेल पेंट लगा के रहेंगे। चाय बन रहा है, हम लोग जल्दी जल्दी चाय पियेंगे। एलर्जी हो जाता है, डस्ट एलर्जी। जल्दी से टाइम पर पहुंचे। अरे हाँ, मैं आप लोग को बता ही नहीं, आई एम सो सॉरी, हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं। हम जैसे जैसे हम लोग जो जो चीज़ करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए। मैं मम्मी ऑटो में है, नेहा एक का बाइक पे है। खाने जाएं या हम लोग टेक अवे करें या हम लोग क्या करें, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक तो फिर से बन गई फोटोग्राफर नेहा के लिए, मैं भी उसका फोटो ले लेती हूँ।
खाने के लिए जो हम लोग सोचे थे कि हम लोग बाहर खाना खाएंगे, हम लोग बाहर में खाना नहीं खाए क्योंकि हमारी एंजल भूखी थी, बिना एंजल को दिए बिना खुद खाने का मन नहीं करता, इसलिए हम लोग आगे घर। और भाई सिंझारा हो तीज हो, उसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है क्या, रसगुल्ला, क्या बोलते हैं सिंघाड़ा, समोसा सिंघाड़ा और कचौरी और कटलेट और वड़ा पाव, ये सब सब रहता है सबसे ज़्यादा मेन, मतलब मैंडेटरी है, बिना सिंघाड़ा यानी कि समोसा के कुछ नहीं होता है। तो हम लोग रसगुल्ला नहीं लाए, जलेबी लेकर के आए हैं, जलेबी लाए। और सर क्या क्या लाए मैं आपको दिखाते रहूँगी, साथ साथ में बन रहा है चाय, मैं पी रही हूँ गर्म पानी, पता नहीं मैं कैसे खाऊंगी ये सब, समय को इतना गला में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी। और भाई त्यौहार है, हाँ त्यौहार है तो कुछ तो खाना चाहिए ना, तो मैं खा के गर्म गर्म पानी पी लूँगी और बस भगवान करे माई प्लीज़ मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हो, गला में बहुत दिक्कत हो जाता है सब सबके, खाना दुश्वार हो जाता है जब गला में कुछ ऐसा होता है। तो खैर गरम गरम चाय पियेंगे अभी, तो हम लोग वहाँ पे फोटोशूट भी किए, इंस्टाग्राम पे मैं डालने वाली हूँ, आप वहाँ जा कर के देखिए, लाइक कीजिए, फॉलो भी कीजिएगा हमें इंस्टाग्राम पे, हमारे ब्लॉग्स को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, खूब सारा प्यार दीजिए। अभी थोड़ा सा और है फिर बाद में एंड करती हूँ। एंजल से नहीं मिले ना, मैं एंजल से मिलाती हूँ। एंजल, मेरा आवाज़ उस तक जाएगा भी कि नहीं, बहुत धीरे है आवाज़। एंजल सबको शायद तेरे को मिस कर रहे थे ब्लॉग में, पूरा दिन से नहीं दिखाई ना तुमको मैं। एंजल एंजल क्या सोच रही, हाय बोल दो बाबू स्पीक करके, एक बार स्पीक कर दो बाबू, वेरी गुड शाबाश। अच्छा अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा था एंजल का, हमें बुला ली, ठीक है जाओ जाओ नेहल के पास चल जाओ, जाओ कहाँ है नेहा, मेरे को तो दिख रही नहीं है, हाँ रूम में है, सुबह का भी मैंने आपको चाय बनते दिखा दिया, अभी मैंने आपको चाय बनते दिखा दिया। तो ये रहा हमारा तीज का और सिंझारा का नाश्ता जो हम लोग करेंगे, जो लेकर आई है एकता हमारे लिए, जिसमें से ये सब मुझे पसंद है लेकिन ये सब खाएगी हाँ गर्म पानी पी लूंगी और क्या, और गरम गरम चाय, चलिए चाय ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग पी लेते हैं चाय, मेरे बाप निकल रही है, चाय पी के आपको बताती हूँ चाय कैसे, गले को सुकून मिला, मैं बोले ना गरम गरम चाय पीने से बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग तो पीते हैं चाय और खाते हैं ये नाश्ता, आप लोग भी चाय पीजिए, हमारा ब्लॉग देखिए, खूब एंजॉय कीजिए हमारे ब्लॉग को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप सब कोई को हैप्पी सिंझारा भी और हैप्पी तीज हमारे ददीची परिवार की तरफ से, आप सब कोई को सावन की तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, खमा गणी, जय माता दी, बाय।